नहीं नहीं टूटेंगे, स्लो 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 स्लो। अब तुम हाथों को अब तो सुकून मिलेगा, पानी मिला है। हो गया शर्पी, देखो बस इसको ज्वाइन करना है सेलोटेप। अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, एक्सीडेंट हो गया। वही तो, सबके थोड़ी ना अंगूठे होते हैं। कैसा लग रहा है रिजा? अच्छा लग रहा है, लैंप लग रहा है ना। अभी इसमें बल्ब फिट करना है अंदर से, मतलब मैम मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन पेंटर इन लोगों ने रखवा तो दिया है, कहीं तुम सुबह उठो पूरी सीमेंट में गुली मिले बनाएंगे ये लोग मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं भूलेगा, लगाते रहे पर कहीं जैसे कूद गया थोड़ा सा कुछ हो गया तो लगाते रहे, वो नहीं भूलती। हॉट ग्लू गन से अंगूठा जोड़ते हुए अभी एक और बनाऊंगी, करी भी एक हाथ और बनाना है। क्या करूँगी रिजा, मैं खुद बना के एक अपने लिए उम्मीद हुई ना, मैंने अपने लिए क्या करूँगी। अरे मतलब अगर इससे भी अच्छा बना तो और अच्छा प्रोजेक्ट लगेगा ना इसके। अच्छा जो कुछ करूँ, चल जाना नीचे नीचे चल जाना सीमेंट लेके। ये अम्मी पापा का ब्रेकफास्ट सुबह सुबह लेके जाती हुई, गुड मॉर्निंग अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। पापा की 3 अखरोट, 5 बादाम। अच्छा, और ये पापा का ओट्स। अच्छा, रिजा को भी देख लो फ्रेंड्स, कैसे ये लोग जुगाड़ करके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ये इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हाय करो। हाय। यहाँ पे आराम से इनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यहाँ पे हो रहा है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, यहाँ पे अम्मा खा रही है और यहाँ पे इसकी ऑनलाइन क्लास। आज ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन मेन्यू है जो कि हम लोगों ने घर पे नहीं बनाया है। हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें घर पे बना लेते हैं लेकिन एक ये चीज़ है जो इडली और डोसा हमने आज तक नहीं बनाया है और मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अभी ट्राई करेंगे। सांभर अम्मी बहुत अच्छा बना लेती है, लेकिन अम्मी अब कभी इडली और डोसा भी बनाएंगे। हाँ। अम्मी को बहुत पसंद है अनियन उत्तपम, बड़ा भी होगा ये तो मेरा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सही है ना? अभी नहीं था। आज मौसम भी देखिए फिर से बारिश का हो गया है। फ्रेंड्स मैंने अभी अपना एक वीडियो लाइव किया, अभी मैं जा रही हूँ वर्कआउट के लिए, उसके बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। और जाने से पहले मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफी क्योंकि उससे फैट जो है वो ज्यादा बर्न हो। तो फ्रेंड्स रिजा ने कैसे अपना ये हाथ वाथ बना के रखा बेचारी ने, टी शर्ट भी मैच करेगा। अल्लाह हाफिज़। वर्कआउट हो गया, उसके बाद निकली तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही मुश्किल में ऑटो मिला उस दिन, लेकिन मजा आया। मैं अभी वर्कआउट करके आ गई हूँ, वहाँ पे तो इतनी ज्यादा थकान हो रही थी ना, मतलब जब वो पैर वाला कराते ना ऊपर करके कि बस अभी वॉमिट आने वाली है, लेकिन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना उसकी खुशी ही अलग है। जब बाहर इतनी बारिश हो रही है तो घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा? इतनी बारिश हो रही, खूब बारिश हो रही इतने दिनों में, दुनिया में बाढ़ आ रही है और घर में पानी नहीं आ रहा। हो सकता है मशीन खराब हो गई हो, कुछ हो। हाँ। नहीं बुध को नहीं दिया करेंगे सोसाइटी में, वेनसडे को पानी नहीं आएगा नहीं, तो वेनसडे को अगर मैं नहीं नहाऊंगी तो चला दो। कहाँ चले? ऊपर। और ये लोग सब आज रेडी हो रहे हैं, क्यों रेडी हो रहे हैं ये आपको कब पता चलेगा? ऊपर जाके अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, हर चीज बता दूंगा याद रखना। नहीं रान जो पहुंचा भी नहीं, पेट पे बात नहीं रुकती है तो ये बहुत देर से कर रहा है। ये बोल नहीं रहा, बोल रहा इतना लेट कर रहा है, भूख लगी है। चुप चुप चुप, हम खाने जा रहे हैं क्या? फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में आपको फाइनली पता चलने वाला है कि वो कौन सी गुड न्यूज थी, उसी के लिए ये लोग कह रहे हैं कि रेडी हो जाओ। आउटफिट तो निकाल ही दिया है फ्रेंड्स, सिंपल सा आउटफिट है, सूट ही पहनूंगी और मुहर्रम चल रहे हैं तो हम ज्यादा मेकअप नहीं करेंगे, लेकिन आज बहुत स्पेशल डे है तो थोड़ा सा स्किन ग्लो करना चाहिए। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ये हैप्पीनेस हम सब तो फील कर ही चुके हैं, लेकिन आज आप सब भी इसमें शामिल होंगे इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको बताने के लिए क्योंकि आप सब भी हमारी इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और मैं इसीलिए आज अपने फेस पे मामर्थ का फेस मास्क भी लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा तो ग्लो करना बनता ही है। जब से आयो ना तब से मैंने जिम के कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं ऊपर चली गई थी, भाई भाभी के पास बैठ गई थी, पापा से मिली, तो अभी मैं चेंज करके मास्क लगा लेती हूँ, हम रेडी हो जाते हैं और फिर हम ऊपर चलेंगे। चलिए मैंने जल्दी से अपना ये कपड़े चेंज कर लिया, मैं जल्दी से मास्क लगा लेती हूँ। अभी मैं लगाऊंगी रेटिनॉल फेस मास्क क्योंकि अभी मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। वैसे फ्रेंड्स ये मामर्थ का एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क भी बहुत अच्छा है क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन के लिए, लेकिन आज हम ये वाला लगा रहे हैं। आपको पता है इतने दिनों से इतने स्ट्रेसफुल डेज चल रहे थे, वर्कआउट नहीं था, डाइट नहीं थी, उसकी वजह से क्या होता है स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है और उसी वजह से आपके फेस पे एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। और इसमें रेटिनॉल है, बाकुची है, ये आपके फेस पे ना जो एजिंग के साइंस होते हैं उसे रिवर्स करने में हेल्प करता है। इसकी स्मेल ना इतनी अमेजिंग है, ऐसा लगेगा कि आप इसे खा ही लो।
और इसका कलर कितना प्यारा है, बहुत न्यू सा कलर है, पर्पल कलर है। रेटिनॉल फेस मास्क आपकी एजिंग के साइंस को मिनिमाइज करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, साथ साथ जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है उसे रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन बनाता है और ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है। हम इस मास्क को 15 मिनट्स रहने देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, स्किन काफी ग्लो कर रही है, डलनेस जो है वो चली गई है क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे हैं। इसमें रेटिनॉल है जो विटामिन ए का एक फॉर्म होता है जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को फाइट करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और इसमें बाकुची भी है जो हमारे स्किन को इवन बनाता है और साथ साथ हमारी स्किन को सूद भी करता है, और इसमें मलबरी भी है वो भी एजिंग के साइंस को कम करने में हेल्प करता है, स्किन को इवन बनाता है, साथ साथ इसमें एलोवेरा, एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, विटामिन ए विटामिन सी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्मूथ बनाता है। अभी मैं जल्दी से अपना आउटफिट चेंज कर लेती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। इसे आउटफिट चेंज कर लिया और ये अपनी हरी वाली चूड़ियां भी पहन ली हैं। आउटफिट बहुत अच्छा है, मिंत्रा से ऑर्डर किया था, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी। और फेस पे भी काफी अच्छा सा ग्लो आ गया है, बहुत जल्दी जल्दी मैं लगाया लेकिन काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो मुझे ये मास्क अच्छा लगा। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही कि मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। मामाअर्थ की जो गुडनेस है सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में नहीं, उनकी वैल्यूज में भी है, तो आप जब भी उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपका ऑर्डर वो एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी ऑर्डर आईडी के साथ वो ट्री को ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट तो यूज ही कर रहे हो, साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और फ्रेंड्स उससे भी एक बहुत अच्छी बात है कि मामाअर्थ के जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिन फ्री होते हैं, उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप इसे मामाअर्थ की साइट अमेजोन और नाइका से परचेज कर सकते हो। अगर आप मामाअर्थ की साइट पे जाके लोगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि सबा 2021, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज ये ग्रीन ग्रीन का क्या मसला है, सब ग्रीन। चले बेटे खाला, चले अम्मा, चलो। कैसे लग रहा है अम्मी? अच्छा लग रहा है। अरे देखो, नहीं 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 फूटेगा। आज ये सभा का घर है, क्या बोले, इतनी खुशी क्या, मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। आपका सपना पूरा हुआ? बिल्कुल, तुम्हारा नहीं, मेरा घर है, आपका घर, मेरा घर है, मेरा सपना पूरा हुआ। जब मैं इतनी खुशी में हमेशा हर वक्त दुआ करती थी, अल्लाह मेरी बच्ची का एक घर हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो अल्लाह ने वो भी देखो बम्बई में दिया। बस अल्लाह आप लोगों की मेहनत, अल्लाह की अल्लाह का सब कुछ उसमें है, अल्लाह जिसको नवाजे, अल्लाह जिसको दे, और तुम लोगों का प्यार मोहब्बत, सबा की मेहनत, पूरे हमारी फैमिली की सबकी मेहनत, भाई की भाभी की सबकी दुआओं, सबकी मेहनत से आज सबा का घर आ गया। उसने खरीदा है, अभी दिखाओ सबको, अभी दिखाते हैं। व्यू देखिए फ्रेंड्स, और ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस डे के लिए, तो अभी ये लोग सुबह से कुछ कुछ कर रहे थे बेचारे, क्योंकि था ये लोग कहते अब शाहरुख भी आप बता दो, आप बता दो, तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं। क्या कर रहे, सबको घर दिखा है? हाँ हाँ। तो आज ये जो होम टूर है ये लोग देंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। ये हॉल है, हाँ ये पूरा सामने यहाँ सब दिख रहा है, ये हॉल है। अब चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर का रूम है। यहाँ भी कबूतर आती है, यहाँ पे भी खाना खिलाओगे? खाना खिलाएंगे, आती है ना, देखो ना, अच्छा अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा ऊपर है फ्रेंड्स, 7th फ्लोर है, तो इसलिए थोड़ा व्यू और ऐसा लग रहा है, पीछे से पूरी हरियाली दिख रही है। नहीं आपको डर तो नहीं लग रहा ऊपर? बहुत अच्छा, अंदर चले। हाँ चलो, ये है देखो मेरी किचन में सामान हर जगह। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पापा भाई भाभी के घर पे रुके हैं ना, तो अभी रूम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान था तो वो यहाँ पे रखवा दिया है, इसी काम के लिए तो घर काम आते हैं ना। एक बालकनी ये है,
कुछ चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे टूटी हुई हैं, ये हम बाद में इंशाल्लाह काम कराएंगे। आ जाओ बालकनी में। देखो तुम यहाँ से बाहर का नजारा, आप कहीं जाया करेंगे बहुत आपसे यही रहना। अब फ्रेंड्स ये वॉशरूम और वो सब हम आप सबको नहीं दिखा रहे, अब इसमें क्या दिखा है फिर भी हाँ बाद में दिखाएंगे। चलो किचन 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 तो आओ, ये किचन है। अच्छा बहुत अच्छा, घर की खुशी में केक काटे हम। तबीयत खुश हो गई, अल्लाह सबकी बेटियों को ऐसे ही बच्चों को नसीब हो, ऐसी खुशी सबक हुई इतनी उम्र में, अल्लाह पा ऐसे अल्लाह सबकी बेटियों की तमन्ना पूरी हो। इंशाल्लाह हमसे बताएं, हम सुने ऐसी खुशियां हम भी मनाए, तुम्हारी खुशी में हम भी शामिल हो। आमीन बोलो सारा, बोलो हम लोग भी जल्दी से कामयाब हो गए, ऐसे करेंगे अपनी अपनी और खुशी देखें। क्यों रेजा है ना, क्यों रेहान क्या बोलूं, बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज के लिए आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो, पर जब वो हो जाता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करो, तो ये ना खुश है। लेकिन मुझे अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्रिया है, बहुत ज्यादा अल्लाह का करम है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और इसके बाद आपसे बातें करेंगे। डाइनिंग टेबल डालना। अच्छा, लेकिन अम्मी मुझे तो बहुत खाली खाली रखना है, एक बस छोटी सी डाइनिंग, क्योंकि लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं और मेरी जर्नी मेरे साथ रहे, वो जानते हैं कि मुझे कितनी जगह की कमी महसूस हुई है। नीचे हमेशा मुझे भरा हुआ कमरा मिला है, अलमारियाँ, कपड़े, सामान। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये घर में हम बहुत कम से कम सामान रखें, ताकि बहुत खुली खुली जगह है, अच्छे से घूम घूम के सब वीडियो बनाए। आज मैं जान सकती हूँ मुझे कितनी खुशी होती है। अब मैं यही अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह बस सबा जैसी सबको बच्ची दे, अल्लाह जितनी अच्छी नेचर मेहनत उसका वो, आज अल्लाह ने उसको इस लाइफ बनाया है, सब तुम लोगों की दुआओं से बेटा। तो ये दूसरा ब्लॉगर इन द हाउस। केक जो है ये भाई भाभी ने ऑर्डर किया था, नाम सालों को मीठा तो खिला, क्या अच्छे मौके पे मीठा तो खिला है। इतने खुशी के मौके पे हम पापा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पापा जब कुरान खानी करेंगे तो हम पापा को यहाँ पे लेके आएंगे। अभी वो आराम कर रहे थे तो हमने उनको डिस्टर्ब, पहले से बेटा अंकल बहुत अच्छे हो गए, रोज रोज उनकी हालत अच्छी होती जा रही है, बस थोड़ा सा और दुआओं की जरूरत है अल्लाह की, वो जल्दी से बस चलने लगे और हमारे सामने ऐसे चले फिरे बैठे, हम यही देखना चाहते हैं बस। रेहान को यहाँ आने की सरप्राइज रिवील करने से ज्यादा जल्दी ये खाने की थी मुझे लग रहा है ना, तो घर का खाना नहीं खाया। तो फ्रेंड्स भाई जो है वो पापा के पास रुक के इसमें बुनिया भाई भाभी आ गई, हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं, हमारा ऐसा प्यारा सा छोटा सा सेलिब्रेशन, और आप सबको बताना भी था तो सोचा कि अब बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तब से पूछ रहे थे कि क्या, क्योंकि हमने सस्पेंस बिल्ड कर दिया था। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो मैंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, तो अब आप टोटली रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो इस रीजन की वजह से था, और आई एम श्योर आप अग्री करेंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसके लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ताकि इसको और एहसास हो कि इसने अपनी मेहनत से क्या अचीव किया है। मुझे पहले जब तक मुझे करना था पैसे कलेक्ट करने थे, तब सबको पता है कि मेरा एक ही एम था मुझे लेना था, और जब हो गया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या रिएक्ट करूं। तो वो जो इसको कंजूसी कंजूसी बोल के जो ब्लॉग्स भी बने थे ना, उसका भी रीजन कहीं ना कहीं यही था, बेचारी को लग रहा था कि अभी ये भी ना करूं जल्दी से जोड़ लूं। हाँ। लेकिन अब वो सब हो गया है, अब कोई इसको कंजूस नहीं बोलेगा, क्योंकि अब ये खर्च करती है।
वाला जलेबी अपनी खाते हुए मन पसंद। ये बच्चे बेचारे हमेशा रेहाना से नीचे गया है, ये लोग हमेशा मेरी हर चीज को बहुत स्पेशल बना देते हैं। कि तुम मकान मालिक बन गई, और इससे खुशी की बात और है कि तुम बहुत बड़ी मकान मालिक बनी, करोड़पति मकान मालिक। अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत जल्दी नवाजा, सब लोगों की दुआएं, ये सबको शुक्रिया। अच्छे तुम लोगों ने कितनी दुआएं दी है, लोगों ने मुझे उठते बैठते दुआएं दी है, मेरी हिम्मत बंधाई है। जब मुझे कभी नहीं अच्छा लगा, मैंने उनको बोला मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझसे काम सही से नहीं हो पा रहा है, तुम लोगों ने बोला करो बेटा करो करो, इनकी दुआएं नहीं होती ना तो सच में ये मेहनत कैसे कर दिया ना अल्लाह ने, इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सही बात, सब लोगों की दुआएं, सब लोगों की, सबको सबको शुक्रिया। मम्मी कह रही है उनके दोस्त क्या है, इनके बगैर कुछ नहीं होता, इनके बगैर नहीं आता ना, नहीं कर लेती हो, नहीं नहीं इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये मैं हमेशा कहती हूँ, सपोर्ट सिस्टम है मेरे। अब ये नीचे गया है, वो शैतान नीचे गया है। बहुत खुश हूँ घर में, बस मैं ही दुआ दो, बस अल्लाह के अल्लाह पाक से सब देना खाता खा। आमीन। थैंक यू फॉर द पार्टी, थैंक यू हमेशा साथ देने के लिए, थैंक यू हमेशा हिम्मत बनाने के लिए, थैंक यू रिजा, थैंक यू सारा, थैंक यू तुम सबको। नाजा खाला कह रही है दो शब्द तुम भी कुछ पेश करो। क्या कहें साली, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है घर देख, इतनी खुशी के बस हम क्या कहें, बस जितने बार अल्लाह का शुक्राना अदा करो कमी है, सबको शुक्रिया दिल से सबको, ठीक है। बाकी बहुत खुशी हो रही है मकान देख के, बहुत एक चीज को दस बार जितने में एक बार तीन बार कर दे, एक बार कर रख लेना, ठीक है, दिल से खुशी हो रही है। तो यहाँ के इतना शोर कर रहे हैं, यहाँ के साइड वाले पड़ोसी बोलेंगे कौन आ गए, अच्छे है ना, कितने खुश होते हैं, हंसी हंसी मजाक होना चाहिए, सब जाए गुमसुम आना नहीं अच्छा लगता। आप लोग हमेशा कहते हो कि नाजा खाला की एक आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा हंसती रहती है, हंसाती रहती है, हमें चुपचाप अच्छा नहीं लगता, हमें लगता थोड़ी कुछ ना कुछ हंसते रहो, दूसरों को हंसाते रहो, फिर हमें कितने भी तो काम हर चीज रहता है थोड़ी देर हंसलो क्या जाता है, सबको हंसा दो, यही जिंदगी, जिंदगी का नाम जिंदगी है, हंसना और हंसाना और बहुत सारा प्यार बांटना। यहाँ पे रिहान का वो होवर बोर्ड चलाएंगे, बिल्कुल, और अब तुम चले जाओगे, सब कह रहे सारा को यही रोक लो, लोगों को लगेगा हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बोलोगे हम खुद नहीं रुकते, हम खुद ही नहीं रुकते, क्यों बोलो क्यों नहीं रुकते, कमजोरी है ना, इसको मम्मी के साथ एकदम चिपक के सोने की आदत है तो इसीलिए नहीं रुकती है, अपनी मम्मी को भी यहीं ले आना, ठीक है। इनके सबसे स्वीट, ये लोग मेरे लिए घर की चाबी के लिए ये स्माइली वाला की रिंग लेके आए। हैप्पी, हाँ ये लो चाबी, मम्मी बहुत खुश है, मैं हमेशा बोलती थी कब मुझे चाबी मिलेगी सालू, कब चाबी सालू, कहती मिलेगी मिलेगी इंशाल्लाह, आज वक्त आ गया। खदीजा को भी खिलाओ मीठा, खदीजा लो, खदीजा खा लो पूरा पूरा खा लो, ये तो लेट आए अम्मी, अभी दोगी, अभी देंगे ना भाई, हमारे तरफ से आपके लिए, नहीं 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 मेरा थोड़ी ना घर है, आपका घर है, हम सबका है, मुबारक हो, आज ये गुलदस्ता अम्मी सबके पास घूमेगा। अम्मा हाँ। आज तो रिनात इन सालू ने हाँ। मकान लीन है, खुशी हाँ। में तू दे रही है हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ बेटा, बस मैं अपन दिल चीर के देखा तो का बताऊँ कि कैसे चीर मैं अपन दिल, नहीं नहीं बस ऐसे ही खुश रहो, अल्लाह तो ऐसे ज्यादा बड़ा सब है, बहुत मुबारक हो, थैंक यू अम्मी। पापा की चाय लेके ये बच्चे ऊपर जाते हुए, आपको बताया था ना अम्मी के लिए जो चप्पल लाए थे उसे एक्सचेंज करने के लिए मैं आई थी स्केचर्स, और अब ये दूसरे वाले फ्लावर्स भी मिल गए भाभी की तरफ से, और मैं अपने कल के वीडियो में बोल देती हूँ, तो ये फ्लावर्स जब मैं ऊपर आई थी
आज बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी इसलिए वो बंदा फ्लैट डिलीवर करने में लेट हो गया, तो मैं ऊपर आई और उसने डिलीवर किया, इसलिए मैं उस वक्त ही ला पाई। अम्मी का भी लेट हुआ, मैंने कहा अम्मी अब जब नीचे आ गए दोनों यही लाया था वही ऑर्डर तो इसी से हुआ था भाई। तो ये तेरे लिए थैंक यू, जो घर है वो इसी तरह हमेशा खिलता रहे। आपको भी थैंक यू, मैं सबको आज की वीडियो में थैंक यू बोलती जा रही हूँ और मुझे आपको बोलने में इतना शर्म आता है, लेकिन सच में आप सबके सपोर्ट के बिना ये नहीं होता। थैंक यू सो मच। वो वैलिडिटी हम लोगों के बीच में है, हाँ ना, अजीब अजीब सा लगता है, अजीब लगता है फिर भी, लेकिन आज तो बनता है। चाहिए आप में से कुछ लोगों में अगर हो भी तो प्लीज कोशिश कीजिए कि फॉर्मेलिटी होनी भी नहीं चाहिए, एक वो दिल में हमेशा कनेक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साल पहले भूल चुके अब तो हमसे वो पूछ रही हो। एक हमको प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्वायर आया तो कैसे आया? वो जहाँ तक मुझे पता है तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया 4, होल स्क्वायर है ना तो दोनों का होगा, तो 2 का 4 हो गया, एक्स का एक्स स्क्वायर यहाँ पे लग जाए। सालों से छोड़ चुके हैं हाँ, लेकिन आपने फिर भी तो समझा दिया बिल्कुल सही। मुझे कमेंट्स में पता चलेगा कि मैंने सही समझाया समझाया। घोड़ा बादाम जाए, घोड़ा कैसे हो, घोड़ा पीछे देखो मार खाए। तुम लोगों के टाइम पे घोड़ा होगा, हम लोग आज का ब्लॉग उम्मीद करते हैं कि आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मतलब मैं तो सिर्फ नॉर्मली दिखाने वाली थी, लेकिन ये प्यारे से जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन है लोगों ने आज की थोड़ा और ज्यादा स्पेशल बना दिया। फिर भाभी ने फ्लावर ऑर्डर कर दिया, अम्मी ने भी दे दिया, तो ये दिन थोड़ा ज्यादा स्पेशल हो गया। आज का दिन इतना अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बड़ी चीज उसकी हुई, तो खुशी तो होती है ना। हाँ, तो लेकिन अम्मी का ये सपना मैं बार बार इसलिए कह रही थी फ्रेंड्स कि सभी ने सपोर्ट किया है फैमिली में। फैमिली का एक पूरा मतलब हिस्सा जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कुछ भी कामयाब होते हो तो आप अकेले कभी भी लाइफ में इतना आगे नहीं पहुंच सकते हो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। फिर भाई भाभी तो है ही इतने अच्छे, जिन्हें दुनिया भी जानता है इतने अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन ये जो घर का सपना दिखाने वाली जो है वो अम्मी है। आज से दो साल पहले जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे जो पहला चेक मिला था तो वो 20,000 रुपए का मिला था, तो अम्मी ने कहा कि इसको अकाउंट में डाल लो और तुम जोड़ना पैसे और तुम घर खरीदना। मैंने 2 महीने जॉब किया था, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर आगे कोई डिटेल में बताऊंगी कि बहुत ज्यादा मैंने मुश्किलें देखी उन दिनों में, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं अम्मी ने बोला कि तुम घर खरीदना, तो मैं बहुत ज्यादा अम्मी से गुस्सा हो गई कि अम्मी आप मुझे ऐसे मत सपना दिखाओ जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। 20,000 रुपए थोड़े बहुत जैसे ईदी मिल जाती थी, रक्षाबंधन में पैसे मिल जाते थे, वो सब मिला के मेरे पास 50,000 कुछ होंगे। मैं पैसे जोड़ती थी, जो भाई की शादी में काजल लगाने के पैसे मिले थे वो भी मेरे पास रखे थे, तो सब कुछ मिला के मेरे पास 30,000-40,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं थे। अब अम्मी कहती है तुम घर लो घर लो, मैंने कहा अम्मी आप मुझे ऐसा सपना मत दिखाओ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, फिर मुझे टेंशन हो जाएगी क्योंकि इतना बड़ा गोल नहीं होगा। तो अम्मी कहती है अरे बेटा 25 लाख में 30 लाख में जो आउट एरिया साइड में अगर एक कमरा भी तुम्हें मिलेगा तो तुम लेना। हमने कहा अम्मी वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा सपना मत दिखाओ। लेकिन अम्मी ने वो जो चीज बोली और मतलब मेरे लिए सपना है कि कैसे अम्मी ने मतलब कैसे कहते हैं कि अम्मी ने हिम्मत दी, मैं काम करती रही। और मेरे सिर्फ काम करने से नहीं होता है, अल्लाह की मर्जी से भी होता है, दुआओं से भी होता है, घर के सपोर्ट करने से भी होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो पाई है अम्मी की हिम्मत की वजह से, अम्मी की दुआ की वजह से। बस ये बात तो बिल्कुल भी सही, मेहनत का फल मिला ना। बच्चे के ऊपर एक बड़ों का हाथ होता है, हिम्मत एक बहुत जरूरी चीज होती है। इंसान अकेला पड़ जाता है नहीं वो होता, अगर जो अपने बड़े हौसला देते हैं हिम्मत देते हैं, तो फिर बच्चों को भी उनकी मेहनत सब लोगों की दुआ से आज देखो ना उसका बहुत। लेकिन अम्मी ने सच में बहुत ज्यादा हिम्मत दी स्टार्टिंग में, जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की, व्लॉग बनाना स्टार्ट किए, लेकिन अगर अम्मी मुझे ऐसे बोलती थी ना कि मत बनाओ कोई क्या कहेगा ऐसा कुछ, तो फिर मैं नहीं कर पाती। लेकिन घर में मुझे कॉन्स्टेंटली अम्मी हिम्मत देने वाली, सपोर्ट करने वाली कि बनाओ कुछ नहीं होता। ऐसा बोला काम में कोई शर्म नहीं कुछ नहीं जोड़ो, हमारा दिल अंदर से बोलता था कि होगा
मेरा ये मानना इस दिन से मेरा, मैं आपको ये बताने के लिए इसलिए आपको बता रही हूँ कि उस दिन के बाद से मेरा ये बिलीव और ज्यादा बढ़ गया है कि माँ की दुआ ना एकदम आसमान तक जाती है और एकदम कबूल। माँ अगर कुछ कह ले और दिल से कोई चीज कर ले, आपकी माँ आपसे खुश है ना, तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। तो अपनी माँ को बहुत ज्यादा खुश रखो। तो खुशी हो रही है कि अम्मी की बात मैंने सच कर दिखाई और उसने दिन रात जो मेहनत करी है तो मैंने खुद देखा है कि और मैंने बहुत पैसे घर में बैठी भी बात नहीं कर पाते, समझ लो। हाँ। ये करना, वीडियो एडिट करना, बनाना, डालना, क्या बनाओ, दिन रात मेहनत कर कोई भी काम में ना फ्रेंड जरूर मेहनत लगती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ फोटोज क्लिक करना इंस्टाग्राम पे या ब्लॉग बनाना, वीडियो शूट करना, डाल देना है। रातों को आप दिन भर ब्लॉग बनाते हो, रात में 3-4 घंटा उसे एडिट करते हो, फिर सोते हो थोड़ी देर के लिए, फिर नेक्स्ट डे आपको ब्लॉग कुछ करना पड़ता है। इस वक्त आपके माइंड में कंटिन्यू चलता रहता है, अच्छा अभी ये बनाना है, ये करना है, यहाँ जाना है। आप कोई भी ओकेजन को उतना नहीं इंजॉय कर पाते हो क्योंकि आपके माइंड में हमेशा रहता है अच्छा ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाना है। हमारी जिम्मेदारी है, यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं उस ब्लॉग का, तो बहुत ज्यादा बिजी रहना रहता है। लेकिन उसमें भी अम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। फर्स्ट फ्रेंड्स अम्मी का तो सपोर्ट था ही, और भाई भाभी ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। भाई जैसे मैं हमेशा कहती हूँ रोक टोक नहीं करी है कोई भी चीज के लिए। भाभी से जब भी सजेशन मांगो ये करो, कुछ ऐसा करना है, भाभी तो हाँ बिल्कुल कर। और मैंने जब उन्हें आज से 6 महीने पहले पहली बार बताया था कि भाभी अभी मेरे पास इतने इतने पैसे सेव हो गए, मुझे घर लेना है, तो भाभी शायद पहले बार सुन के रो भी पड़ी थी। हाँ। क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे पता है कि मुंबई में घर होना हर एक का कितना बड़ा सपना होता है और मैंने कितने टाइम बाद ये पूरा किया है और तुम्हें अल्लाह ने इतनी जल्दी मौका दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। तो आज यही सबका रीजन है कि ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये हम सबका घर है और ये हम सबका अचीवमेंट है। तो जो भी हमें कामयाबी मिल रही है ये हमारी पूरी फैमिली को मिल रही है, तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सबका है। हाँ, हमारी ब्रेम फैमिली का घर है। तो आज घर तो दिखा ही चुके हैं, अभी जल्दी जल्दी में दिखाया था। अभी घर बहुत बेसिक सा है, उसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत रिनोवेशन कराएंगे, वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। पहले हमने सोचा था कि हम रेंट पे दे देंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया था, फिर सबने डिसाइड किया, भाई भाभी ने भी बोला कि तुम्हें बहुत स्पेस कम पड़ती है, तुम्हें अपने फोटो शूट करने पड़ते हैं, ये सब करने पड़ता है, तो उसे इस तरह भी यूज करो, बाकी हम सबका घर है। एक महीने में 4 बार तो घर जमाना पड़ता है। जगह नहीं होती तो हमारी, अब ये अच्छा घूम घूम के वीडियो बनाएंगे हो जाएगा, तो वो हम सबका घर है। मतलब किसी को भी अगर हमें कोई हमारे घर में हमें ज्यादा लोग नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, कुछ पार्टी है, कुछ ऐसा ओकेजन है, तो वो हम सब यूज कर सकते हैं, भाई भाभी हम अम्मी बाकी सब लोग। तो बस ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आप सबको भी दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आप सब मेरे साथ रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और हमेशा इस तरह मेरे साथ रहे। और मेरी भी दुआ आप सबके लिए है कि आप सब भी जो भी करना चाहते हैं लाइफ में आप भी उसमें बिल्कुल कामयाब हो। और सभी बच्चियों से मैं बोलना चाहूंगी यही कि बेटा कभी भी माँ बाप को नहीं भूलना, कभी भी जो भी इतना से काम करना सबसे पहले अपने माँ बाप से सलाह। हाँ, ये बात भी जरूरी फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ो लेकिन साथ साथ फैमिली को भी लेके बढ़ते रहो। अगर आप अपने सेल्फिश हो जाओगे ना, तो हो सकता है आप इतना कामयाब नहीं हो पाओ जितना अगर आप सबको लेके चलोगे तो कामयाब होगे। हाँ, पहले भी हम बोल चुके, अभी हम यही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एक हिम्मत की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा वो चीज बहुत जरूरी है। तो बस वो हिम्मत आप सबने मुझे दी है, और मेरी YouTube फैमिली ने, मेरी Instagram फैमिली ने दी है, मेरी पूरी फैमिली ने दी है, खाला लोगों ने, भाई भाभी ने, अम्मा ने, अम्मी लोगों ने, बच्चों ने, पापा ने, तो बस इसीलिए सब दोस्तों ने। हाँ। तो अम्मी कह रही है व्लॉग इस तरह एंड करो। फ्रेंड्स हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, और इतने अच्छे फूल देखो ना, रंग बिरंगे, अम्मी कैसे छोड़ सकती है। हाँ, अभी अम्मी की फोटोज भी क्लिक करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखियेगा, दुआओं में याद रखियेगा, और अम्मी बस अभी फोटो नहीं खींच रही है, पोज मत करो। हाँ, अभी अल्लाह हाफिज कर लो सबसे। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, अच्छा रखे। हाँ, अल्लाह हाफिज, अभी हम चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे। अम्मी की दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है, हमेशा हम सबकी, और आप सबकी दुआओं की वजह से पापा अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे हैं पहले से। और बस इसी तरह दुआ में हम सबको याद रखे, इस तरह प्यार बांटते रहे, इस तरह खुश रहे, अपना ख्याल रखे, और हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिये, दुआओं में याद रखिये। अल्लाह हाफिज। जो सालू ने घर लिया है, सालू के नाम हो गया, अब तुम बता तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे बहुत खुशी लग रही है। खुशी लग रही है बहुत ज्यादा। कितनी? बहुत ज्यादा।